स्टूडेंट टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग न्यू चैप्टर इन एसपीएल मार्केट्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर की मार्केट, कितने टाइप की मार्केट होती है, कौन कौन सी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वी गो टू द मार्केट टू बाई मैनी थिंग्स, वेजिटेबल, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक्स, बिस्किट्स, ईटीसी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम मार्केट कई सारी चीज़ों को ख़रीदने के लिए जाते हैं, सब्जियां हो गई, टूथपेस्ट हो गया, मसाला हो गया, सोप साबुन हो गए, ब्रेड हो गए, राइस चावल हो गए, दाल हो गई हमारी, क्लोथ्स कपड़े हो गए, नोटबुक्स किताबें हो गई, कापियां हो गई, बिस्किट्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें ख़रीदने के लिए। इफ़ वी मेक अ लिस्ट ऑफ गुड्स दैट वी परचेज, इट वुड बी रियली लॉन्ग। और इसके लिए हम क्या काम करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं जो जो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, उसके बाद हम उनको परचेज करते हैं, ख़रीदते हैं, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ मार्केट्स दैट वी मे विजिट फॉर एवरीडे नीड्स, कई डिफरेंट टाइप्स की मार्केट्स होती हैं और हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही जो हमारी डेली नीड्स है उनके अकॉर्डिंग ही हम जो सामान खरीदना होता है विजिट करते हैं मार्केट में। दीज कैन इंक्लूड शॉप्स, उसमें जो शॉप्स हमारी इंक्लूड्स हो गई, हॉकर्स स्टॉल्स हो गए इन आवर नेबरहुड, जो हमारे आसपास में जो हॉकर्स होते हैं जो स्टॉल लगाते हैं वो हो गए, अ वीकली मार्केट हो गई जो सप्ताह में लगती है वो मार्केट हो गई, अ लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं वो आ गए इसमें, परहैप्स इवन अ मॉल, इसमें हमारे मॉल भी आते हैं जिनमें हम विजिट करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग सामान को ख़रीदने के लिए। इन दिस चैप्टर वी लुक एट सम ऑफ दीज मार्केट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द गुड्स दैट आर सोल्ड दियर रीच बायर्स, ऐसे ही मार्केट के बारे में हम देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो होते हैं गुड्स होते हैं वो मार्केट में बेचे जाते हैं और कैसे करके वो बायर्स के पास पहुंचते हैं, हु दीज बायर्स आर, ये बायर्स कौन होते हैं, हु दीज सेलर्स आर, सेलर कौन होते हैं, एंड द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस, और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको बायर या सेलर फेस करता है। फर्स्ट वीकली मार्केट, वीकली मार्केट वो होती है जो सप्ताह में लगती है। अ वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक, वीकली मार्केट हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी सप्ताह में एक दिन लगती है, जो सप्ताह होता है हमारा 7 दिन का उसमें किसी एक स्पेसिफिक डे पर ये लगाई जाती है। वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप, जितनी भी वीकली मार्केट में शॉप्स लगाई जाती हैं वो परमानेंट नहीं होती, वो पर्टिकुलर उसी डे के लिए लगाई जाती हैं। ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग, जो भी ट्रेडर्स होते हैं विक्रेता होते हैं वो अपनी शॉप को लगाते हैं दिन में और जैसे ही इवनिंग होती है वो उसको क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। देन दे मे सेट अप अ डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे, उसके बाद वो अपनी जो दुकान होती है या शॉप होती है नेक्स्ट डे के लिए कोई अलग प्लेस को चूज करते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया, वीकली मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में लगभग 1000 टाइप की वीकली मार्केट्स लगाई जाती हैं। पीपल कम हेयर फॉर दियर एवरीडे रिक्वायरमेंट्स, लोग यहाँ पर अपनी एवरीडे रिक्वायरमेंट जितनी भी उसे दैनिक वस्तुओं की ज़रूरत होती है जो एवरीडे के हमारी
जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए यहाँ पर विजिट करते हैं। मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स। कई सारी चीज़ें वीकली मार्केट में जो साप्ताहिक मार्केट लगती है उसमें अवेलेबल होती है क्योंकि उनकी कॉस्ट थोड़ी सी कम होती है। दिस इज बिकॉज व्हेन शॉप्स आर इन परमानेंट बिल्डिंग्स दे इनकर अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर्स, दे हैव टू पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फीस टू द गवर्नमेंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो परमानेंट शॉप्स होती हैं उनको बिल्ड करने में, उनको लगाने में काफ़ी खर्चा आता है क्योंकि उन्हें रेंट भी देना होता है, किराया भी देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पेड करना होता है और जो गवर्नमेंट का टैक्स है या फीस है उसको भी पेड करना होता है। इसी वजह से जो परमानेंट शॉप्स होती हैं उनमें जो थिंग्स बिकती हैं या गुड्स बिकते हैं उनके रेट हाई रहते हैं। दे आल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर्स, और उनको जो सामान वर्कर्स लाके देते हैं उनको भी सैलरी देनी होती है। इन वीकली मार्केट्स दीज शॉप्स ओनर्स स्टोर द थिंग्स दे सेल एट होम। जो वीकली मार्केट्स होती है उसके जो शॉप ओनर्स होते हैं वो चीज़ों को अपने घर में स्टोर करके रखते हैं और बाद में उनको अपने घर से भी सेल कर लेते हैं, बेच लेते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स। इसके लिए क्या काम करते हैं, जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। हैंस डू नॉट नीड टू हायर वर्कर्स, इसके लिए उनको जो डेली वर्कर्स हैं होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती, या जो वर्कर्स वर्क करते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वही उनकी हेल्प करते हैं। वीकली मार्केट आल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स। जो वीकली मार्केट्स होती हैं, साप्ताहिक मार्केट्स होती हैं, उसमें जो दुकानें लगाई जाती हैं वो अत्यधिक संख्या में होती हैं। सेम गुड्स बेचते हैं, एक ही सामान बेचते हैं, विच मीन्स देयर इज कंपटीशन अमंग देम। इसका मतलब है कि उनके बीच में जो कंपटीशन होता है वो चलता है। इफ सम ट्रेडर्स वर्क टू चार्ज अ हाई प्राइस, अगर कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं, विक्रेता हैं जो पैसे ज़्यादा रखते हैं अपनी थिंग्स का या गुड्स का, पीपल्स वुड मूव टू अनदर शॉप, तो जो पीपल्स होते हैं वो दूसरी दुकान पर चले जाते हैं। वेयर द सेम थिंग्स मे बी अवेलेबल मोर चीपली, अगर दूसरी दुकान पर वही सेम चीज़ जो है कम रेट पर मिल रही है। और वेयर द बायर कैन बार्गेन एंड ब्रिंग द प्राइस डाउन, और इसके लिए जो बायर होते हैं, विक्रेता होते हैं, वो बार्गेनिंग भी कर लेते हैं कि यही सेम थिंग जो है दूसरी दुकान पर जो है वो कम रेट पर मिल रही है तो आप भी उसको कम रेट पर दीजिए। तो इसी वजह से जो ट्रेडर्स होते हैं वो कभी कभी प्राइस कम भी कर लेते हैं। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वीकली मार्केट इज दैट मोस्ट थिंग्स यू नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो वीकली मार्केट में या साप्ताहिक मार्केट में ये होती है कि सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक ही प्लेस पर अवेलेबल होती हैं, हमें आसानी से मिल जाती हैं। जो जो तुम्हारी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो एक ही प्लेस पर अवेलेबल रहती हैं। वेदर यू वॉन्ट टू वेजिटेबल्स, चाहे वो सब्जियाँ हों, ग्रोसरीज आइटम्स हों और क्लोथ आइटम्स हों, हमारे कपड़े वगैरह हों, यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह की दुकानें हों, ऑल ऑफ देम कैन बी फाउंड हियर, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं कम कॉस्ट में। यू डू नॉट हैव गो टू द डिफरेंट एरियाज टू बाई डिफरेंट थिंग्स, इसके लिए आपको दूसरे एरिया में या डिफरेंट एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें अगर डिफरेंट थिंग्स खरीदनी है या दूसरी चीज़ें खरीदनी हो तो। पीपल्स आल्सो प्रीफर गोइंग टू द मार्केट वेयर दे हैव अ चॉइस एंड वैरायटी ऑफ गुड्स। पीपल्स जो होते हैं वो पहली प्रीफ्रेंस
ऐसी मार्केट को देते हैं जहाँ पर उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग सामान मिल जाए और जो गुड्स की वैरायटी हो वो अच्छी हो। शॉप्स इन द नेबरहुड, जो हमारी आसपास की दुकानें होती हैं, अब उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। वी हैव सीन दैट द वीकली मार्केट्स ऑफर अ वैरायटी ऑफ गुड्स। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो साप्ताहिक मार्केट होती है या सप्ताह में किसी एक दिन लगाई जाती है या दो दिन लगाई जाती है, उसमें हमें कई टाइप की वैरायटी के गुड्स देखने को मिल जाते हैं, चीज़ें मिल जाती हैं। हाउ एवर वी आल्सो बाई थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ मार्केट। तब कैसा होता है जब यही चीज़ें जो होती हैं डिफरेंट टाइप से मार्केट से खरीदते हैं या डिफरेंट शॉप से खरीदते हैं। देयर आर मैनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर नेबरहुड्स। कई मार्केट्स हम मार्केट में देखते हैं या हमारे जो आसपास की दुकानें होती हैं और उनसे हम सामान खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं और वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो हमारे आसपास की दुकानें होती हैं। वी मे बाई मिल्क फ्रॉम द डेयरी, हम दूध खरीदते हैं डेयरी से। ग्रोसरीज फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर, जो ग्रोसरीज आइटम्स होते हैं वो हम डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदते हैं। स्टेशनरी हम खरीदते हैं, ईटेबल्स चीज़, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी हम आसपास की दुकानें से खरीदते हैं। मेडिसिन्स फ्रॉम अदर, कुछ मेडिसिन्स वगैरह होती हैं वो भी हम परचेज करते हैं। अदर शॉप्स, जो और दुकानें होती हैं उनसे। मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप, इन शॉप्स को हम परमानेंट शॉप्स भी कहते हैं क्योंकि ये कंटिन्यू रहती हैं, ये साप्ताहिक नहीं होती। वाइल अदर्स आर रोड साइड स्टॉल्स, कुछ हम देखते हैं कि जो रोड पर स्टॉल्स वगैरह अपने लगा के रखते हैं। सच एज दैट ऑफ द वेजिटेबल्स हॉकर, जैसे जो सब्जियां वगैरह बेचते हैं वो अपनी रोड के किनारे दुकानें लगाते हैं। फ्रूट वेंडर हो गए, जो फल वगैरह बेचते हैं वो भी लगाते हैं। द मकैनिक, जो मकैनिक हो गए छोटे मोटे, वो भी अपनी दुकानें रोड के किनारे लगा लेते हैं। शॉप्स इन द नेबरहुड्स आर यूजफुल इन मैनी वेज, जो हमारे आसपास की दुकानें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी मानी गई हैं। देयर आर नियर आवर होम, क्योंकि वो हमारे घर के पास में है एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक, और हम सप्ताह के किसी भी दिन वहाँ पर जा सकते हैं और कोई भी गुड्स, कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं और हमारे घर के वो पास में होती हैं। यूजली द बायर एंड सेलर नाउ ईच अदर, ज़्यादातर जो बायर, जो खरीदने वाला है और जो सेलर है बेचने वाला, वो एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेते हैं। दीज शॉप्स आल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट, ये शॉप जो होती हैं वो जो चीज़ें हैं वो क्रेडिट पर हमें देती हैं कि हम जब पैसा देंगे तभी वो हमको माल देंगे। दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर द परचेजेस लेटर, इसका मीन्स ये भी हुआ कि अगर मान लो हमने किसी चीज़ का पेमेंट कर दिया है या दे दिया है तो वो चीज़ अगर अवेलेबल नहीं है तो हमको बाद में प्रोवाइड कर दी जाए। एस बी सा सुजाता केस, जैसा कि हम लोगों ने सुजाता के केस में देखा, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए स्टोरी, यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है सुजाता और कविता की। सुजाता एंड कविता वर सेंट टू बाय ग्रोसरीज फ्रॉम दियर नेबरहुड शॉप, दिस वाज अ शॉप दे यूजली वेंट टू इट। सुजाता और कविता ग्रोसरीज आइटम खरीदने जाते हैं अपने पड़ोस की दुकान से और ये वो शॉप थी जिस पर वो ज़्यादातर जाते थे। इट वॉज क्राउडेड टूडे, आज बहुत भीड़ थी उस दुकान पर। द शॉप ओनर मैनेज द शॉप हर सेल्फ विद टू हेल्पर्स, जो शॉप ओनर थी वो इस शॉप को अपने दो हेल्पर्स के साथ में मैनेज करती थी। वेन दे मैनेज टू गेट इन टू द शॉप, सुजाता डिक्टेटेड अ लिस्ट टू हर। सुजाता ने क्या काम किया, जो आइटम्स उसको खरीदने थे उसकी एक लिस्ट उसको दे दी। सी इज टर्न बिगिन आस्किंग हर हेल्पर्स टू वे एंड पैक द आइटम्स, सुजाता ने जो लिस्ट उसको दी थी उसके बाद वही लिस्ट उसने अपने हेल्पर्स को दे दी और कहा ये सामान को पैक कर दो, ये जो आइटम्स हैं इनको पैक कर दो।
Meanwhile, Kavita looked around. जबकि कविता जो थी वो चारों ओर घूम घूम के देख रही थी. On the top shelf, there were different brands of detergent kits. उसने लेफ्ट में टॉप पर देखा तो वहां पर डिफरेंट ब्रांड लगे हुए थे डिटर्जेंट्स के. अनादर सेल्फ हैड टूथपेस्ट, और जो दूसरी अलमारी थी उसमें टूथपेस्ट लगे हुए थे, टेलकम पाउडर लगे थे, शैम्पू लगे थे, हेयर ऑयल लगे हुए थे. द डिफरेंट ब्रांड्स एंड डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के साथ में कलर्स भी डिफरेंट थे. लुक्ड सो अट्रैक्टिव, और देखने में वो बहुत अच्छे लग रहे थे. ऑन द फ्लोर ले अ फ्यू शेक्स, और उसने फ्लोर पर देखा कि कुछ बोरियां लगी हुई थी. इट टुक अमाउंट 20 मिनट्स टू बाय एंड पैक ऑल द ग्लोसरीज, लगभग उसे 20 मिनट लग गए ये सारा सामान को पैक कराने में. देन सुजाता शोड हर नोटबुक, तभी सुजाता ने जो नोटबुक थी उसमें देखा. द वुमेन नोटेड द अमाउंट ऑफ रुपीज 1550. एक वुमेन जो थी वो उसमें अमाउंट नोट कर रही थी 1550 रुपए, एंड गेव इट बैक, बाद में उसने उसको वो वापस कर दिया. सी आल्सो नोटेड द अमाउंट इन हर बिग रजिस्टर, उसने भी वही अमाउंट नोट किया अपने बड़े रजिस्टर में. द सुजाता टुक द हैवी बैग्स आउट ऑफ द शॉप, सुजाता ने वो भारी बैग उठाया और दुकान के बाहर आ गई. हर फैमिली विल पे फॉर परचेज इन फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ, उसकी फैमिली जो है वो ये सारा सामान खरीदने के लिए उसे नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में अब फिर से देगी. You might have noticed that there are different kind of sellers. जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया है कि सेलर्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके भेद अलग अलग होते हैं. इवन इन द नेबरहुड मार्केट, जैसा कि हमने नेबरहुड मार्केट में और वीकली मार्केट में देखा था. सम ऑफ देम हैव परमानेंट शॉप्स, कुछ ऐसी दुकानें थी जो परमानेंट थी, जो कंटिन्यू हमें देखने को मिलती हैं. एंड अदर्स सेल दियर गुड्स ऑन द रोड साइड, और कुछ ऐसे भी हमें सेलर देखने को मिले जो अपने गुड्स को रोड के किनारे लगाकर सेल करते हैं. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स क्या होते हैं अब हम उनके बारे में जानेंगे. सो फॉर वी हैव सीन टू काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेसेस, वीकली मार्केट एंड मार्केट्स इन नेबरहुड. जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा दो टाइप के मार्केट प्लेस के बारे में, वीकली मार्केट जो साप्ताहिक मार्केट होती है, और जो हमारे नेबरहुड आसपास की दुकानें होती हैं उनके बारे में. देयर आर अदर मार्केट्स इन अर्बन एरिया दैट हैव मैनी शॉप्स, और उसके अलावा भी अदर मार्केट्स होती हैं अर्बन एरिया में जिसमें कई सारी शॉप्स होती हैं, पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं. These days in many urban areas, ज़्यादातर ये हमें urban areas में देखने को मिलती हैं. You also have large multi-stored air-conditioned buildings. ये बहुत ज़्यादा multi-stores होती हैं, कई सारे इसमें दुकानें होती हैं, और सब टोटली जो इनकी बिल्डिंग होती है वो air-conditioned होती है. With shops ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, हर फ्लोर पर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की दुकानें देखने के लिए मिलती हैं, नोन एज मॉल्स, जिनको हम मॉल्स कहते हैं. इन दीज अर्बन मार्केट्स
अर्बन मार्केट में यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स। यहाँ पर हमें नॉन ब्रांडेड गुड्स भी देखने को मिल जाते हैं और जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। एज यू हैव रीड इन चैप्टर ऑन एडवर्टाइजिंग, जैसा कि तुमने चैप्टर जब एडवर्टाइजिंग पढ़ा था तब जाना था। ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव, ब्रांडेड गुड्स थोड़े से महंगे होते हैं। ऑफन प्रमोटेड बाई एडवर्टाइजिंग, क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग के थ्रू प्रमोट किए जाते हैं। एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी, और ये भी हम जानते हैं कि इनकी जो क्वालिटी होती है वो बेटर होती है नॉन ब्रांडेड गुड्स से। द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट सेल देम थ्रू शॉप्स इन लार्ज अर्बन मार्केट। कंपनी इन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है, तैयार करती है, उसके बाद इनको अर्बन मार्केट्स में बेचती है। जो मार्केट में जितनी अर्बन मार्केट में शॉप्स होती हैं उनमें भेजती है एट टाइम्स थ्रू स्पेशल शोरूम, और जो उनके स्पेशल शोरूम्स होते हैं उनमें भी भेजे जाते हैं। एज कंपेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स, नॉन ब्रांडेड गुड्स के कंपेयर्ड में फ्यूअर पीपल कैन एफर्ड टू बाई ब्रांडेड वन। केवल कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो ब्रांडेड गुड्स को लेना पसंद करते हैं या जो ब्रांडेड गुड्स खरीद पाते हैं। थैंक यू।